यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड बाइक के खिलाफ अभियान शुरू किया है। चालानी कार्रवाई वही पॉइंट पर मिली सूचना पर बाइक सवार को रोककर कार्रवाई की गई। दुर्ग यातायात पुलिस ने शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली मॉडिफाइड बाइकों को लेकर विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत मोटर वाहनों का स्वरूप बदलकर सड़क पर चलते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सोमवार को दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी के निर्देश पर पटेल चौक पर बाइक सवार युवक को रोककर मॉडिफाइड बाइकर के खिलाफ कार्रवाई की गई और वाहन को जब्त करते हुए चालान भी काटा गया। इसकी जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मॉडिफाई बाइक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और ध्वनि प्रदूषण फैलाने, असुरक्षित ढंग से वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाइयां की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मॉडिफाई गाड़ी के खिलाफ 190 के तहत उच्च अधिकारियों का आदेश के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होती है? मॉडिफाइड गाड़ी का परमिट शर्तों का उल्लंघन, मॉडिफाइड करके चलाते हैं, बुलेट है, ये सब चीज़ है, इनमें ढोलकी वगैरह लगा के फट फट पटाखा बजाते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाते हैं। इस लड़के के खिलाफ जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों का आदेश था कि गाड़ी का नंबर दिया था और उसके कपड़े का ये बताया था कि ये एक कलर की कपड़ा पहना है, जो जा रहे हैं उसको रोको और कार्रवाई करो। अधिकारी उच्च अधिकारी का आदेश के अनुसार गाड़ी रोक के कार्रवाई, लाइसेंस रोकने पर लाइसेंस नहीं मिला, न हेलमेट भी पहने। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।